हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई लेखा विज्ञान में। मैं अनिल सर आप लोगों को आज फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। इससे पिछले वीडियो में मैं आग एवं आग के प्रकार के बारे में बताया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा उसको भी। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अग्निशामक यंत्र। तो चलिए अब अग्निशामक यंत्र के बारे में हम सबसे अग्निशामक यंत्र बताएंगे, इसका क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं हम इसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि अग्निशामक यंत्र है क्या। सबसे पहले हम लोगों को जानना है अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर है क्या। तो इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि फायर, फायर का मतलब क्या है, आग। तो आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का, जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। जो भी यंत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, अग्निशामक यंत्र। मतलब ये हो गया कि आग बुझाने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग कर रहे हैं वो सारा यंत्र हमारा कहलाएगा अग्निशामक यंत्र। तो चलिए हम एक एक कहना रखिए अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं हम उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप पहले देख लीजिए, हम कुछ बोर्ड पर पहले से लिख करके रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे वीडियो में, इसके लिए मैं पहले से बोर्ड पर लिख करके रखा हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो छोटा करने का प्रयास किया हूँ। तो पहले से लिख लिया हूँ कि कौन कौन से टाइप का अग्निशामक यंत्र है। तो ये देखिए, मेरा पहला है हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या, वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी, जल, जल अग्निशामक यंत्र, जल अग्निशामक यंत्र। जल अग्निशामक यंत्र का मतलब है यह एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर में क्या है, पानी भरा हुआ रहता है। अर्थात जो भी हमारा अग्निशामक यंत्र जिसमें हमारा पानी फिलअप किया हुआ हो वो कहलाएगा हमारा क्या, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, जल अग्निशामक यंत्र। तो ये हो गया हमारा वाटर टाइप। दूसरा है हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम, फोम का मतलब होता है झाग। दूसरा है हमारा फोम टाइप झाग अग्निशामक यंत्र, झाग। इसका मतलब यह है कि इस अग्निशामक यंत्र के अंदर में जो है हमारा पहले से ही या तो झाग भरा हुआ है या झाग फॉर्म में है, जब से वो बाहर निकलेगा हमारा उसके अंदर से प्रेशर से तो उसमें जो है हमारा झाग निकलेगा। तो ये जिस भी यंत्र के अंदर में, जिस भी उपकरण के अंदर में जो है हमारा झाग रहेगा वो कहलाएगा हमारा झाग अग्निशामक यंत्र। तो ये दो हो गया। और तीसरा है हमारा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर मतलब क्या, सूखा पाउडर, मतलब ऐसा उपकरण, ऐसा यंत्र जिसमें कि सूखा पाउडर भरा हुआ है या उसको यूज करते हैं हम तो उसमें से सूखा पाउडर निकलता है, तो वह उपकरण जो है वह यंत्र जो है हमारा कहलाएगा ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। और हमारा उसके बाद है चौथा CO2 टाइप, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाम आप लोग सभी जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस उपकरण के अंदर में जो है क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है, जब हम इसका यूज करते हैं तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं CO2 टाइप जो है फायर एक्सटिंग्विशर। और एक है हमारा सबसे लास्ट में हेलन एक्सटिंग्विशर। हेलन, हेलन एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर में जो है हमारा CTC और BCF दो प्रकार का जो है इसमें यूज होता है। एक कहलाता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा कहलाता है हमारा ब्रोमोक्लोरोडीक्लोरोमीथेन। यह जो है भरा हुआ रहता है इसके अंदर में, हेलन एक्सटिंग्विशर के अंदर में। तो यह तो हो गया हमारा पांच प्रकार का, हम देख लिए कि पांच प्रकार का जो है फायर एक्सटिंग्विशर होता है। पांचों प्रकार का नाम देख लिए, किसमें क्या रहता है उसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझने वाले हैं कि इसका जो है कहाँ कहाँ पर में इसका यूज किया जाता है, कौन कौन सा जो है फायर एक्सटिंग्विशर का जो है किस जगह पर में प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर में। तो यह जल अग्निशामक यंत्र जो है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपका कि फायर, फायर जो है अलग अलग क्लास का होता है, जिसमें हम बता चुके हैं क्लास ए फायर, बी फायर, सी फायर और डी फायर। ये चार प्रकार का जो है आग को जो है अलग अलग जो है जो भी सामग्री है जिसमें आग लगता है, जो भी उपकरण जिसमें आग लगता है उसको जो है हम लोग पांच, सॉरी चार भागों में जो है बांटा गया है, चार प्रकार का आग होता है।
तो उन चार प्रकार का आग जो है, किस प्रकार का आग में जो है कौन सा अग्निशामक यंत्र का जो है प्रयोग करेंगे, ये हम जो है अभी पूरा समझते हैं। इसमें हम देखिए, जो भी हमारा फायर है, जो भी आग है हमारा, वो आग का मेन सबसे चीज है हमारा, आपको तो तीन फैक्टर उसका बता ही चुके हैं कि कौन कौन सा आग के तीन फैक्टर है। फिर से मैं थोड़ा इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आपका फ्यूल है, आपका जो है हीट है, आपका जो है ऑक्सीजन है, ये तीन मेन फैक्टर है। तो जानते हैं कि हम जब आग को हमको बंद करना है, आग को बुझाना है, तो हम वो तीनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। यदि हम जो है ईंधन को हटा देते हैं तब भी हमारा आग बंद हो जाएगा, हम लोग अगर जो है ऑक्सीजन को हटा देते हैं तब भी आग हमारा बंद हो जाएगा, और हमारा हीट करने का मतलब है टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी जो है हमारा जो भी हमारा मटेरियल्स है उसमें जब आग कब पकड़ता है, जब वो एक प्रॉपर टेम्परेचर उसको चाहिए जलने के लिए। अगर प्रॉपर टेम्परेचर जब तक के नहीं होगा तब तक उसमें आग नहीं पकड़ सकता है। हाँ, जैसे गैस वगैरह है तो वो जो है बहुत ही कम टेम्परेचर पर में जो है आग पकड़ लेता है, जैसे हमारा पेट्रोल वगैरह है, चाहे हमारा एलपीजी गैस वगैरह है, ये सब के लिए कम टेम्परेचर चाहिए आग पकड़ने के लिए। लेकिन बहुत सारे हैं जो इसमें कि जो है ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए आग पकड़ने के लिए, तो टेम्परेचर भी हमारा एक फैक्टर है। तो हम ये तीनों में से अग्निशामक यंत्र मेरा क्या करता है, वो तीनों में से कोई भी एक चीज को हटाने का काम करता है। अगर आप तीनों में से किसी एक चीज को रिमूव कर देते हैं तो आपका आग बंद हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहला हमारा जैसे वाटर टाइट फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये क्या करेगा, ये जैसे देखिए इसका यूज जो है हम खास करके करेंगे क्लास ए फायर के लिए। क्लास ए फायर के अंदर तो बता चुके हैं कि हमारा लकड़ी है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, बहुत सारा जो जिसको जो है जलने के लिए जो है हमको कुछ ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो हमारा ठोस रूप में पाया जाता है, तो उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, तो वाटर टाइट फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब अगर जैसे हमारा घर में घर है, हमारा मकान बना हुआ है, हमारा वहाँ आग लग गया है, कपड़ा है, लकड़ी का दुकान में आग लग गया है कोई, तो ये सब जगह पर में हम क्या करेंगे, वाटर टाइट फायर एक्सटिंग्विशर का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब पानी, हम नॉर्मली पानी हम उसके ऊपर में डाल देंगे, तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर में पानी जो है प्रेशर में भरा हुआ रहता है, उसको जैसे ही हम उसका नोजल जो है दबाते हैं तो उसमें से जो है प्रेशर में जो है पानी निकलता है, और उस पानी को जो है हम जहाँ पर भी आग लगा हुआ है वहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो हमारा आग बंद हो जाता है। इसमें आप देखते हुएगा कि अग्निशमन दल के द्वारा जो है एक गाड़ी लेकर के आता है, और गाड़ी से जो है क्या करता है, कहीं पर पानी का सोर्स लेता है, और सोर्स से एक तो उसके टैंक में भरा हुआ रहता है तो उसके द्वारा भी देकर के उसको भेजा दिया जाता है। दूसरा है कि अगर वहाँ पर उसके टैंक में पानी नहीं है, पानी का सोर्स आसपास में है, तो उसमें भी जो है पंप मोटर लगा करके जो है इंजन लगा करके जो है वो पानी का बोछा लगा करके उसको आग को जो है बंद कर देता है। तो उसमें क्या होता है हमारा, देखिए आप जिस चीज़ में आग लगा हुआ है वो मटेरियल्स को तो हटा नहीं पाते हैं, आप जो है मटेरियल्स नहीं हटा पाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को खत्म करते हैं, हीट को खत्म करते हैं। जैसे ही पानी आप मार देते हैं उसके ऊपर में, तो वो पानी डालने के कारण से क्या होता है, सारा हीट जो है समाप्त हो जाता है, तो जल्दी योग जो है टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, और आपका आग जो है बंद हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका पानी वाला जो है जल अग्निशामक यंत्र। अब हमारा है दूसरा, हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, झाग अग्निशामक यंत्र। तो झाग अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे इसको समझते हैं हम। देखिए झाग आपका यह खास करके जो है क्लास बी फायर में हम बताए थे कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो भी हमारा है, चाहे पेट्रोल है, हमारा डीजल है, हमारा किरोसिन वायर है, ये सब जो है जानते हैं क्लास बी फायर के अंतर्गत में आता है। तो ये सब को जो है हमको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि तेल है आपका, ज्वलनशील है, पेट्रोल है, डीजल है, तो अगर हम उसमें पानी डाल देते हैं तो क्या होगा आपका, क्योंकि पानी भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, फिर आपका तेल जलता रहेगा, उसको डालने से आपको जो है बंद नहीं होने वाला है, पानी डालने से बंद नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो क्लास बी फायर का जो भी है हमारा उसमें जो है हम लोग पानी नहीं डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी एक तेल है, तेल में आग लगा हुआ है, चाहे वो तेल निकल रहा है कहीं पर भी या तेल फैला हुआ है उसके ऊपर में अगर आग लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ये तो यहाँ पर भी ये पूरे उसके ऊपर में झाग, इस झाग अग्निशामक यंत्र के द्वारा जो है हम उस पर में झाग फैला देते हैं पूरे। तो जब तेल के ऊपर में पूरे चारों तरफ जो है उसके ऊपर से झाग हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूट जाएगा,
तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करते हैं। जैसे आपको बताया कि चूंकि तीन चीज है, तीनों फैक्टर में से किसी को एक को हमको रिमूव करना है, तो हम वहां पर में जो है हीट को तो रिमूव नहीं कर पाएंगे पानी डाल रखे, हम वहां पर में फ्यूल को भी रिमूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी फ्यूल में तो आग लगा हुआ है, ईंधन में तो आग लगा हुआ है, आपका जो तेल है उसमें आग है, तो उसको तो हम हटा नहीं पा रहे हैं वहां पर में। तो हमारे पास में एक व्यवस्था है कि उसके ऊपर में पूरा एक झाग का लेयर हम दे देते हैं और वो ऑक्सीजन वहां से जो है संपर्क हट जाता है उससे और वो आग हमारा बंद हो जाता है। तो ध्यान रखें कभी भी कहीं पर भी आप फैक्ट्री में कंपनी में जहां पर भी काम करने के लिए जाते हैं वहां पर अगर जो है आपका तेल है, हाइड्रोलिक वाल है, लुब्रिकेशन वाल है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब चीज में अगर मोबिल है, ये सब किसी में भी अगर आग लगा हुआ है तो आप वहां पर याद रख लीजिए आपको प्रयोग करना है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और जहां जाइएगा कंपनी वगैरह में काम करने के लिए तो वहां पर में सभी प्रकार का अग्निशामक जो है रखा हुआ रहता है, क्योंकि अगर जहां पर में तेल का काम होता है तो वहां पर में ये अग्निशामक फोम टाइप का अवश्य रखा हुआ मिलेगा, तो उसका आपको जो है प्रयोग करना है। तो ये दो हो गया आपका वाटर टाइप हो गया, फोम टाइप हो गया। अब हम आते हैं तीसरा जो है ड्राई पाउडर टाइप, सूखा पाउडर। सूखा पाउडर, सूखा पाउडर मतलब ये अग्निशामक यंत्र है जिसमें से हमको क्या निकलेगा, उसके अंदर में प्रेशराइज करके प्रेशर के साथ में जो है उसके अंदर में पाउडर भरा हुआ है, उसमें जब हम उसका नोजल दबाएंगे, नोजल पर रखे जब उसका लीवर को हम दबाएंगे तो उसमें से जो है प्रेशर में हमको पाउडर निकलेगा। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर में करेंगे ड्राई पाउडर का, तो देखिए अब आपके पास में क्लास ए फायर है, क्लास बी फायर है और क्लास सी फायर है। आपका यहां तक के कि क्लास बी फायर, अब देखिए इसमें हम चारों लिख रहे हैं, चारों लिखने का कारण क्या है, अगर आपका क्लास ए फायर तो जो है आप जान रहे हैं कि पानी के द्वारा बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हल्का फुल्का आग लगा हुआ है तो आप जो है ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा जो है मात्रा कम है अगर आपका और आपके पास में जो है ड्राई पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र है तो अगर वहां पर तुरंत यूज करते हैं, प्रेशर से देते हैं तो पाउडर जो है वहां पर पड़ेगा तो वो भी जो है आपको आग को बंद कर सकता है और बंद कर देगा। क्लास बी फायर जो है आपका, क्लास बी फायर में जो अगर रनिंग वायर का सोर्स है कहीं पर में तेल निकल रहा है तो आप उसको बंद नहीं कर पाइएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी मात्रा में कोई जैसे कपड़ा है जिसमें तेल से भिगा हुआ कपड़ा है, इस तरह का केसेस है और उसमें अगर आग लग गया है तो उस आग को आप इसका यूज करके बंद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेन रूप से आपका जो है चूंकि क्लास सी और क्लास बी फायर, तो सी फायर में हम क्या बताए हैं कि आपका गैस जैसे एलपीजी गैस वगैरह में आग लगा हुआ है वो क्लास सी फायर के अंतर्गत में आता है, तो एलपीजी वगैरह में लगे हुए आग को जो है आप इसके माध्यम से बंद नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहां पर में तो वो निकल रहा है और निकल रहा है तो आप जो है ऐसे थोड़ी मात्रा में है तो एकाएक अगर प्रेशर दीजिएगा तो बंद भी हो जाएगा। अगर आपको हल्की मात्रा में निकल रहा है और पाउडर का ही एकाएक अगर आप प्रेशर दे रहे हैं तो तुरंत हो सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में रहेगा तो आप उसे नहीं बंद कर सकते हैं। हाँ, रही बात अब क्लास बी फायर, तो क्लास बी फायर जो है आपका जैसे हमारा हल्का फुल्का यूज के लिए है, लेकिन जो है अगर इसको कहिएगा कि ज्यादा अगर जो है तब नहीं यूज कर सकते हैं उसमें भी, तेल में भी जो है आप ध्यान रखिए इसमें भी आपको ज्यादा में है तो यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि क्लास बी फायर जो है आपका जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, विद्युत उपकरण है उसमें लगा हुआ आग है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग करके, ड्राई पाउडर का प्रयोग करके आप उसके आग को बंद कर सकते हैं। तो आपका जो है यह बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये है। हाँ, उसके बाद जो है हमारा सबसे ये है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्या है, एक मतलब गैस है हमारा, और यह गैस क्या करता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो है जलने में मदद नहीं करेगा। तो हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेयर किसी के ऊपर में दे देते हैं तो वहां पर में भी हमारा आग बंद हो जाएगा। अब देखिए
हम इसको कहां पर में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा तो हम इसको जो है हम इलेक्ट्रिकल जो है जहां भी आग लगा हुआ रहेगा हम वहां पर तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आपके पास में आपका जो है होता है ये बी क्लास बी फायर, क्लास बी फायर जो है आपका तेल से लगा हुआ आग है। तो तेल से लगा हुआ आग में जो है आप अगर जो है इसको जो है CO2 को अगर देते हैं तो भी वहां पर उसको आप बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करता है CO2 ऊपर से एक लेयर बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर जैसे ही उसके ऊपर में पड़ेगा तो वो ऑक्सीजन का जो है संपर्क टूट जाएगा तो आपका जो है वो बंद हो जाएगा। तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में खास करके वैसे जगह जहां पर देखिए हमारा कंट्रोल वायरिंग किया हुआ है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा हुआ है तो आप आग लगा हुआ है उसमें जो है CO2 का प्रेशर दीजिएगा तो ऑक्सीजन का लेयर से संपर्क जो है हटाएगा उसको और वो आपके आग को बंद कर देगा। और ये CO2 चूंकि उड़ने वाला रहता है तो आपका उस जगह से उड़ भी जाएगा और आपको वहां पर में कोई नुकसान भी दिखाई नहीं देगा कोई साइड वगैरह में तो आप वहां पर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा जैसे आपका बी में भी प्रयोग कर सकते हैं इसको आप बी में वैसे सबसे सुटेबल जो है आपका बी है। बी में आपको इसको CO2 का जो है यूज करना है। हाँ उसके बाद जो है अब हमारा है सबसे लास्ट में सी टी सी जिसको कि हेलन आगे सामग्री यंत्र बोला जाता है। एग्जाम वगैरह में जो है रिलेटिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा हेलन आगे सामग्री यंत्र का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है या ऐसे दिया हुआ रहेगा कि बिजली से लगी हुई आग है बिजली का उपकरण में कोई आग लगा हुआ है तो वहां पर कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर भी जो है हेलन अग्निशामक यंत्र दीजिएगा या एक कहीं कहीं पर में सी टी सी अग्निशामक यंत्र भी लिखा हुआ मिलेगा तो यह भी जो है आपका बिजली से लगी हुई आग में जो है मतलब यह आपको हो गया क्लास डी फायर। क्लास डी फायर के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपको जो है ये हेलन अग्निशामक यंत्र सी टी सी अग्निशामक यंत्र इसका प्रयोग जो है हम लोग क्लास डी फायर के लिए जो है प्रयोग करेंगे। इसमें जो है आपका चाहे वो बिजली से जो भी उपकरण हो जो भी मशीन हो आप उसमें कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये है देखिए ये तो बिजली से उपकरण का हो गया। अब बहुत जगह पर में ऐसा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हमको क्वेश्चन करते हैं सर घर में बिजली से आग लगा हुआ है तो क्या वहां पर में हम इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अरे भाई घर में आग लगा है ठीक बात है लेकिन क्या वो आग बिजली से लगा तो बिजली तो लोग बंद कर देता है उसके बाद बंद कर दिया तो घर जो है नॉर्मली चीज उसमें हम जो है ये अग्निशामक यंत्र नहीं कोई हमारा वाटर टैंक है हमारा पानी भी है तो हम उसमें डाल सकते हैं वहाँ पर। हाँ जहाँ पर लाइन है हमारा बिजली वहाँ पर में हमको पानी नहीं डालना है। हाँ लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि चूंकि जहाँ पर में आग लगा है अगर बिजली से ही आग लगा है तो हमको ये कन्फर्म हो लेना पड़ेगा कि पहले सप्लाई कटा हुआ है या नहीं है तो सबसे पहले हम सप्लाई काटने का वहाँ पर में काम करेंगे। अगर सप्लाई जगह पर में काटने का वहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो हम तुरंत आग बंद करने के लिए जो व्यवस्था करेंगे तो जो हमारे पास में तब जो है इस हेलन टाइप का जो है रहेगा हम उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये तो सभी जगह घर वगैरह में संभव नहीं है कि सभी के पास उपलब्ध रहे हेलन अग्निशामक यंत्र खास करके जहाँ पर में हमारा इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम है तो वो सब जगह पर में आपको इस टाइप का अग्निशामक यंत्र रखा हुआ मिलेगा तो वहाँ पर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारा जो है पांचों प्रकार का जो है अग्निशामक यंत्र के बारे में हम जो है आपको डिटेल से बता दिए। यदि आप लोगों को ये सारी जानकारी जो है अच्छा लगे तो आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे आप अगर चैनल में नए नए अगर देख रहे हैं नए नए जो है तो आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको जो लेटेस्ट मेरा जो वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।